अस्सलाम वालेकुम जी आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन सेवन पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड क्रेशचन्स मॉनिटर मॉडल तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि अपनी वीडियोज़ को आपके लिए मज़ीद बेहतर बना सकें तो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड क्रेशन मोनिटर मॉडल फ्रॉम द ब्रीफ एंड ओवर सिंप्लीफाइड अकाउंट ऑफ नाइनटीन सेवेंटीज़ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजीशन रिसर्च फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इमर्ज नाइनटीन सेवेंटीज़ की वो बात करें कि तब जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च थी उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे सामने कुछ करैक्टरिस्टिक्स आई थी वो क्या थी चिल्ड्रेन गो थ्रू स्टेज जो चिल्ड्रेन लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजस से गुजरते हैं दी स्टेजिज़ आर वेरी सिमिलर अक्रॉस चिल्ड्रेन फॉर अ गिवन लैंग्वेज आल दो इंडिविजुअल प्रोसेस रेट वेरीज अब ये जो स्टेज़ हैं ये अल, ये तकरीबन तमाम बच्चों में सेम हैं जो गिवन लैंग्वेज है उसके मामले में सेम है और उनके जो प्रोग्रेस रेट है वो वेरी कर सकते हैं बट स्टेज आर सेम दी स्टेज आर सिमिलर अक्रॉस लैंग्वेज अब डिफरेंट लैंग्वेज में भी ये स्टेजस जो लर्निंग की जो stages ये जो स्टेज हैं ये सेम हैं child language is rule governed and systematic and their rules do not necessarily correspond to the adult ones और जो बच्चों की जो language होती है वो rules के हिसाब से होती है उसमें rules होते हैं but वो जो rules हैं वो adults के साथ उनकी correspondence मतलब वो उनके साथ कोई इतने कोई खास मिलते जुलते नहीं होते children are resistant to correction अब बच्चों को अगर बच्चे ने एक सेंटेंस गलत बोला है स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको सही करवा भी दे तो अगली बार फिर से वो उसी तरह से बोलेगा बिकॉज जब तक वो एडल्ट नहीं होगा फुली तो तब तक उसकी लैंग्वेज में ये प्रोसेस उसी तरह होते रहेंगे देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिट्स नंबर ऑफ रूल्स दे कैन अप्लाई एट वन टाइम अब उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो नंबर ऑफ रूल्स को लिमिट कर देती है कि वो एक वक्त में कितने रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं दिस फाइंडिंग्स कॉट सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च अटेंशन टू बिकॉज द प्रोडिक्शंस मेड बाय कंट्रास्टिव एनालिसिस डिड नॉट सीम्स टू बी बोर्न आउट इन प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन डिफरेंसेस अमंग लैंग्वेज आर नॉट डिफिकल्ट नीदर कंस्ट्रक्शन सिमिलैरिटीज अमंग लैंग्वेजेस आर नेसेसरि इजी डिफिकल्टीज समटाइम्स अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन अब कह रहे हैं जी जो सेकंड लैंग्वेज लर्ने जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च थे तो उनको भी थोड़ा सा इन मामला को देखते हुए कुछ आ, उन्हें भी थोड़ी सी अटेंशन मिली तो उन लोगों ने जब कंट्रास्टिव एनालिसिस के बारे में किया तो जब उन्होंने पता चला कि जब दो लैंग्वेज़स आप सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ डिफर डिफरेंसेस होते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और ऐसा नहीं है लाजमी नहीं है कि जो डिफरेंसेस हों वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों और जो सिमिलैरिटीज़ हों उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो तो दे कैन दे कैन भी डिफरेंट वन तो जो डिफ़िकल्टीज हैं वो कभी कभी वन डायरेक्शन में भी होती है द टास्क ऑफ लैंग्वेज कंपेरिजन टू डिज़ाइन एफिशिएंट लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम्स नाउ सीम टू बी डिसपोर्शनल ह्यूज इन रिलेशन टू इट्स प्रडिक्शन पावर्स डेवलपमेंट इन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डिसूजमेंट विद कंट्रास्टिव एनालिसिस औरजिनेटेड एरर एनालिसिस जब फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन और जो कंट्रास्टिव एनालिसिस किया तो उससे फिर कौन सी चीज़ ऑरिजिनेट हुई एरर एनालिसिस एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर एक निकली कि जो सेकेंड लैंग्वेज लर्न की जा रही है उनके एरर्स को एनालिज़ किया जाए कि जो गलतियाँ हैं जो एरर्स हैं वो क्यों आ रहे हैं ने उनको कौन सी चीज़ इंटरफेरेंस किस चीज़ की इंटरफेरेंस की वजह से ये एरर्स आ रहे हैं स्टडीज रिवील डेट लर्नर्स एरर्स डू नॉट नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस वाज रिमेड अनफाउंडेड इन मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स व्हिच रेल्स अ क्वेश्चन दैट वेयर डू दिज एरर्स कम फ्रॉम अब फ़र्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी गलतियां सेकंड लैंग्वेज में बहुत सारे एरर्स होते हैं बट बहुत सारे एरर्स से जो जिनमें फ़र्स्ट लैंग्वेज को अनफोल्ड रही मतलब कि उसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज के इंटरफेरेंस हमें नज़र नहीं आई तो वो उसमें फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये एरर्स क्यों सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं दे आर नीदर टारगेट लाइक नॉट फर्स्ट लैंग्वेज लाइक अब वो जो उनकी मिस्टेक्स होती हैं जो एरर्स होते हैं वो ना तो उनकी टारगेटेड लैंग्वेज से मिलते जुलते होते हैं ना ही उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज से मिलते जुलते होते हैं जो वो एरर्स कर है. in internal, वो होते हैं दे मस्ट बी लर्नर इंटरनल इन ओरिजिन ये लर्नर्स के इंटरनल वो ओरिजिनेट होते हैं रिसर्चर्स स्टार्टेड क्लासिफाइंग देम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विद एरर्स इन द मदर टंग और फिर उन्होंने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको क्लासिफाई करने के लिए कोशिश स्टार्ट कर दी नाइनटीन सेवेंटीज सेलिंगर को टर्म इंटर लैंग्वेज दैट ट्रैफर टू अ लैंग्वेज प्रोड्यूस बाई लर्नर्स बोथ है एज सिस्टम एंड एज अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकड सिस्टम्स अब जो इंटर लैंग्वेज एक टर्म क्वाइंट की गई सेलिंगनर ने इसको इसकोपॉइंट किया कि जब एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज स्टडी कर रहे होते हैं तो वो जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं या वो सिस्टम होते हैं वो जो फेज होती है उसने उसको इंटर लैंग्वेज उस सिस्टम को नाम दिया दिस स्टडीज़ मूव्ड बियॉन्ड एरर एनालिसिस एंड फोकस ऑन लर्नर सिस्टम्स एज अ होल अब ये स्टडीज़ जो थी वो एरर एनालिसिस से बियॉन्ड गई और इन्होंने लर्नर सिस्टम्स को डिस्कस uh, करना स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहले क्रेशन मॉनिटर मॉडल आया दीरी इवाल्व्ड इन द लेट नाइनटीन सेवनटीज़ इट वॉज़ रिफाइंड एंड एक्सपेंडेड इन अर्ली नाइनटीन ऐटीज़ ये लेट नाइनटीन सेवेंटीज़ में आई थी लेकिन फिर ये जो नाइनटी अर्ली नाइनटीन ऐटीज़ में इसको एक्सपेंड किया गया ये इंपॉर्टेंट है नोट कर लें इट इज़ बेस्ड अराउंड फाइव बेसिक हाइपाथिस तो इसमें पाँच हाइपाथिस थे वो बेसिक थे सबसे पहले था द एक्विजिशन लर्निंग हाइपाथिस सेकेंड मॉनिटर हाइपोथिस थर्ड द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथिस द इनपुट हाइपोथिस द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथिस तो परेशान होने की जरूरत नहीं ये सारे आगे वाले चैप्टर्स में वन बाय वन डिस्कस हो जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉमेंट्स से जरूर आगाह कीजिएगा ताकि आपके लिए वीडियोस को मजीद बेहतर बना सकें